दो तीन बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने, देखिए अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा, फिर ISI को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ मिलिट्री कोर्ट। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है, अनलेस इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज। आप किसी का भी, आप देखिए मैं किसी बंदे को लूं, ठीक है, आप मुझे अगर टॉर्चर करेंगे दो तीन दिन, तो दो तीन दिन के बाद मैं अपना नाम वैभव सिंह बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर इतना मारें, इतनी तशद्दुद करें, तो मैं कुछ भी कबूल कर लूंगा। अपना दर्द रोकने के लिए इंसान झूठ बोल देता है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड की कोर्ट्स में आरजू जी ये सब प्रूफ नहीं चलते जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, उसने कबूल कर लिया, पासपोर्ट मिला। कोई भी अगर आप लॉयर को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं पर भी ले जाएं अमेरिका के, दो मिनट में वो खारिज कर देगा केस, इसमें दम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, विच इंक्लूड्स POK एंड गिलगित बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, माय पार्लियामेंट 1994 रेजोल्यूशन सुपरसीड्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑफ 1948। नंबर वन, इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग, आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस एक मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है, इतना उससे ज्यादा, उससे डेढ़ गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वॉज $300 बिलियन। तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा है, नहीं है। $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें, जो सीपैक है, सीपैक में कुछ होगा और सीपैक से, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को वो भेजा भी था, GOC पेशावर कोर, हाँ GOC जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटबार बचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट है। देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान का अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो इसमें चाइना को क्या चीज, चाइना को बेसिकली पाकिस्तान से राहदारी चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए कि गवादर तक आना है, इसके अलावा पाकिस्तान क्या दे रहा है इन रिटर्न। दूसरी चीज, आखिरी मेरा पॉइंट है, जो हम कहते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हैं जो स्ट्रेटेजिक जरूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मेरा एक लिमिटेड पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना को आज तक क्या दिया है, आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में, हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, आपने चाइना के लिए क्या करा, सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता, एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ, पाकिस्तान, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए, ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो भैया